सबको मेरा शुभोदय और द क्लास स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम सातवीं कक्षा की हिंदी में पाठ 9 दिल्ली इसके प्रश्नोत्तर को सीखेंगे। अभ्यास। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, भारत की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर, भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। दूसरा प्रश्न, दीवाने आम किससे बना है? उत्तर, दीवाने आम 60 सुंदर खंभों से बना है। प्रश्न 3, जामा मस्जिद किसके पास है? उत्तर, लाल किले के पास जामा मस्जिद है। प्रश्न 4, नई दिल्ली की शोभा कैसी है? उत्तर, नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। प्रश्न 5, भारत सरकार का सचिवालय कहां पर है? उत्तर, भारत सरकार का सचिवालय नई दिल्ली में है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सेकंड हेडिंग, इन प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखो। प्रश्न 1, लाल किले के बारे में लिखो। उत्तर, लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं। दीवाने आम हिंदू कला का नमूना है। इसमें 60 सुंदर खंभे हैं जो पत्थर से बने हैं। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। इसमें मुगल किले के पास ही जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। ये सब मुगल बादशाहों की शान शौकत की याद दिलाते हैं। प्रश्न 2, कुतुब मीनार के बारे में तुम क्या जानते हो? उत्तर, दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंचना पड़ता है। उसके ऊपर से देखने से दिल्ली का दृश्य बड़ा मनोहर लगता है। प्रश्न 3, संसद के बारे में लिखो। उत्तर, नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 2 सदन हैं। प्रश्न 4, राष्ट्रपति भवन क्यों निराला है? उत्तर, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेश के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। प्रश्न 5, दिल्ली में देखने लायक स्थान कौन कौन से हैं? दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर दर्शनीय स्थान है। थर्ड हेडिंग, अन्य वचन रूप लिखो। वचन बदलिसी बरेर। फर्स्ट वन, किला, किले। याद, यादें। बात, बातें। महीना, महीने। विलोम शब्द लिखो। नया, पुराना। भीतर, बाहर। पास, दूर। चढ़ना, उतरना।
पर्यायवाची शब्द जानो। पर्यायवाची शब्द अंद्रे समानार्थक आदंत वंदु पूरकवाद पद अदे अर्थवन्नु कोडुवंत पूरक पद। नगर शहर, मशहूर प्रसिद्ध, आसमान आकाश, मनोहर सुंदर। सिक्स्थ हेडिंग, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। पहला प्रश्न, लाल किले के पास जामा मस्जिद है। जामा मसीदियो केंपु कोटेया हत्तिरविदे। दूसरा, दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार देहलियल्लिदे। तीसरा, दिल्ली भारत की राजधानी है। देहलियु भारतद राजधानी आगिदे। चौथा, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं। लोकसभे मत्तु राज्यसभे संसत्तिन एरडु सदनगळु। नेक्स्ट रीडिंग, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। पहला, लाल किला डैश में है। यहां पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनकर लिखना है लाल किला दिल्ली में है। दूसरा, कुतुब मीनार 238 फुट ऊंची है। तीसरा, दीवाने खास संगमरमर से बना है। नेक्स्ट हेडिंग, जोड़कर लिखो। विधानसौधा बेंगलुर। उत्तर यहां पर लिख दिए गए हैं, चामुंडी पहाड़ मैसूर, कमल महल हम्पी, गोल गुंबज विजयपुरा। नमूने के अनुसार वर्तनी शुद्ध करो। यहाँ पर इस शब्द में थोड़ी सी गलती है, उसको पहचान कर हमें यहाँ पर ठीक करना है। तो एक आपको उदाहरण दिया गया है, राजधानी, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाई है, तो हमें उसे लगाना है राजधानी। इस तरह दूसरा, भारत छोटा बा लिखा गया है, तो यहाँ पर हमें सही करके लिखना है भारत। कार्यालय आपको इस प्रकार लिखना है, कार्यालय। चौथा, सरकार, सरकार ये गलत है, तो इसको इस प्रकार लिखें सरकार। इन वर्णों को चुनकर शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, तो इन वर्णों को चुनकर इन वर्णों में से आपको शब्द बनाने हैं, जैसे कि आम, आम। इसी तरह वन, वन। नदी शेर, नल। कपड़ा पावन, नगर सागर, मकान। पढ़ो समझो और उन्हीं शब्दों को लिखो। ये आपको पुस्तक में आपके लिखना है, जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उसी प्रकार आपको पुस्तक में लिखना है। दिल्ली दिल्ली, संगमरमर संगमरमर, उद्यान उद्यान, प्रशंसा आप भी लिखें प्रशंसा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति, व्यवस्था व्यवस्था, वस्तु संग्रहालय वस्तु संग्रहालय, सत्कार इसी प्रकार आपको लिखना है सत्कार, शांतिवन शांतिवन, दर्शनीय स्थान दर्शनीय स्थान। दिल्ली के समान भारत के अन्य ऐतिहासिक नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। जैसे दिल्ली में देखने लायक बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, इसी प्रकार हमारे भारत में और भी नगर हैं जो ऐतिहासिक नगर हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। दिल्ली के दर्शनीय स्थानों के चित्र देखकर पहचानो और उनके नाम लिखो। यहाँ पर दिल्ली में जो दर्शनीय स्थान हैं उनको दिखाया दर्शाया गया है, आपको उनके नाम पहचानने हैं और लिखने हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं राजघाट, दूसरा जंतर मंतर, कमल महल,
और यह है जामा मस्जिद। यहाँ पर प्रश्नोत्तर पूरे हुए। धन्यवाद, अगली कक्षा में मिलते हैं।